हे फ्रेंड्स, मैं योगिता क्रिज गोपरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आकाश जी के साथ हमारी तीसरी और आखिरी वीडियो है। अब देखते हैं आकाश जी हमें इस वीडियो में क्या बनाना सिखाते हैं। तो बताइए आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं। तो आज हम घर के खाने को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इन्हें पिज्जा और पास्ता जैसा ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि बच्चे उन्हें खा सके आसानी से और इंटरेस्ट के साथ। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मल्टीग्रेन आटा टाकोस और उसमें इंडियन फिलिंग रखेंगे, बिल्कुल कटहल की जो देसी सब्जी होती है ना वो। मल्टीग्रेन आटा टाको बनाने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीग्रेन का आटा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा यानी कि एक पिंच सॉल्ट डालेंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे हाथों की मदद से घी को आटे में मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमारा जो टाको है वो खस्ता बनेगा। थोड़ा सा एक खस्तापन देने के लिए हमें थोड़ा घी डाल लेना चाहिए, नहीं तो ये रेगुलर रोटी जैसा सॉफ्ट होगा। तो जब आपका ये घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप इसमें पानी ऐड करेंगे। योगिता जी, अब हमारा डो रेडी हो गया है। तो इसे हम जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना उससे हल्का सा हार्ड रखना है ताकि ये टाको वाला फील दे सके। कटहल की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन हीट अप करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसमें एक चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे, साथ ही हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यूजुअली तो हम अपने इंडियन खाने में प्याज को ज़्यादा गला देते हैं, ज़्यादा पका देते हैं, बट इस टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम इसमें जल्दी से ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, स्वाद के लिए थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। तुरंत हम ऐड करेंगे हल्दी, साथ ही हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। इस टोमेटो प्यूरी में कुछ खास नहीं है, फ्लेम के ऊपर रोस्ट करने के बाद छिलके उतार लेंगे और इसे पीस लेंगे। एक तरफ जैसे ही हमारा ये सॉस तैयार हो रहा है हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये कलर और तीखापन बैलेंस कर देगा। जैसे हमारी ये सॉस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी हम इसमें फ्राई किए हुए इस तरह के कटहल ऐड करेंगे। तो अगर ये फ्राई किए हुए जो कटहल हैं, ये सिर्फ फ्राई कटहल हैं, रॉ कटहल को हमने फ्राई किया है, इसमें कुछ और भी किया हमने? जी, कटहल को आप कभी भी फ्राई करने से पहले एक बार प्रेशर कुक कर लेंगे। प्रेशर कुक करने से वो काफ़ी हद तक गल जाता है, तो फ्राई करने में आपके काफ़ी एफर्ट्स बच जाते हैं। तो प्रेशर कुक करने का सही तरीका क्या है? प्रेशर कुक करने के लिए बस आप इसमें कटहल के बराबर पानी डाल करके और 2 सीटी लगा लीजिए लो फ्लेम पे, तो आपका जो कटहल है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो मम्मियों के लिए स्पेशल मेरा मैसेज है, अगर आप लोग परेशान हो गए हो कि आपके बच्चे हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, जैसे कि कटहल हो गया, जिमीकंद हो गया, तो आप इस तरह से कटहल और जिमीकंद उनको खिला सकते हो। तो जैसे ही देखिए आप, हमारा ये जो कटहल का स्टफिंग है तैयार हो गया है, साथ ही में हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद हल्का सा इसे और चला देंगे। तो गाइज, अब हमारा जो कटहल का स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। तो योगिता जी, अब हम बढ़ते हैं अपने टाकोस की तरफ। वैसे तो टाको शेल मार्केट में अवेलेबल है बने बनाए रेडीमेड, बट हम इसे हेल्दियर वर्जन में बना रहे हैं, हमने मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल किया है। तो आज क्रेजी कुकरी की टीम हमारी हेल्प करेगी टाको शेल बनाने में। कुछ नहीं है, नॉर्मली रोटी की तरह हम इसे बेलेंगे। योगिता जी, आप मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल सर। तो चलिए योगिता जी, आपने हेल्प कर दी है हमारी। अब हम अपने इन टाको शेल्स को सेक लेते हैं जैसे कि रोटी सेकी जाती है, बिल्कुल सिंपली। बस हमारी रोटी और टाको में इतना ही फ़र्क है कि हमें इसे फोल्ड करना है, इसे शेप देनी है। तो अभी हम इसे एक ही साइड से कुक करेंगे और दूसरी साइड से स्टफिंग डालने के बाद। ये देखिए, इस तरफ से तो इसे मैंने प्रॉपर कुक कर दिया है, बट इसकी दूसरी तरफ अभी उतनी मैंने कुकिंग नहीं की है, क्योंकि इस तरफ हम स्टफिंग डालेंगे, फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड से हम कुक करेंगे ताकि ये अपनी ऑटोमेटिकली शेप पकड़ लें। टाको शेल्स हमारे तैयार हो चुके हैं, हम इसमें कटहल की ये स्टफिंग फिल कर लेंगे। वैसे तो इसमें सॉस और जो आपकी मेन स्टफिंग है वो डालने का चलन अलग से है, लेकिन हमने इसे सालसा के साथ ही मिक्स करके बना दिया है। कटहल की स्टफिंग डालने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने के बाद ये इस तरह से मोज़रेला चीज़ इसके अंदर डाल देंगे। हम इसे एक बार और कुक करेंगे क्योंकि ये आउटर साइड से कुक नहीं है। दोबारा कुक करने से पहले हम हल्का सा घी का एक हाथ लगा लेंगे अपने पैन पर और इस तरह से अपना टाको छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है मल्टीग्रेन आटा टाको रेडी हो चुके हैं। आज हमने किसी भी तरह की कोई स्पेशल प्लेटिंग नहीं की है, बस चीज़ का इस्तेमाल किया है, खाना बनाया और डायरेक्ट प्लेट पे रख दिया है। सो गरम गरम
आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और क्रेजी कुकरी चैनल पर कभी भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच योगिता फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यू वेलकम आकाश। इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आया, जो भी आज मैंने सीखा और जितना भी मैंने रेसिपीज एक्सप्लोर की हैं, जितना मैंने इनसे पर्सनली भी सीखा है, वो नॉलेज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आने वाले करियर के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत बहुत उनकी तरफ से भी मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ कि आपने उनको इतनी अच्छी रेसिपीज इतनी सिंप्लीफाइड वे में बताई। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगा, अगर आप लोगों को क्रेजी कुकरी चैनल अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर क्रेजी कुकरी एंड प्रेस द बेल आइकन विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो इसी के साथ हमारी आकाश जी के साथ जो सीरीज थी वो खत्म हो गई है। अब हम फिर से आएंगे नई रेसिपीज के साथ, नए अपडेट्स के साथ। स्टे इन टच। बाय।